आज का महानगर में आपका स्वागत है। पूर्वी दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में बुधवार को कार की चपेट में आने से 65 साल की महिला की मौत हो गई। महिला अपने घर के बाहर गली में झाड़ू लगा रही थी, तभी पीछे से आती बेकाबू कार ने उसे टक्कर मार दी। पुलिस के मुताबिक महिला की पहचान जानकी कुमारी के रूप में हुई है। वह अपने घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी, तभी सुबह करीब 9 बजे उसके पड़ोसी मुकुल राठौड़ की कार ने उसे टक्कर मार दी। मुकुल राठौड़ अपने घर वापस लौट रहा था। घटना पास में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वीडियो में नजर आ रहा कि कार से टकराने के बाद महिला हवा में उछल गई। अधिकारी ने कहा कि महिला को अस्पताल में बेहोशी की हालत में ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बताया कि कार में मुकुल राठौड़ के साथ उसके अन्य रिश्तेदार भी थे। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच कर रही है।